अमन और अमन की एक बड़ी लंबी चौड़ी बिरादरी है, इनको तो वर्षों से देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो मेरी तकलीफ थी वो आप सबकी तकलीफ रही है, हमारी तकलीफ साझा है। और हम अपनी तरह से कुछ ना कुछ इशारों में उसका विरोध कर रहे थे, उस पर अपने विचार रख रहे थे सोशल मीडिया पर लिखकर। आप लिखकर भी बहुत करते रहे हैं, आप भी, राकेश भी और राजेश। मैं लिखता कम हूँ। तो ये एक साझा पीड़ा हम सबकी रही है, लेकिन अचानक मैं उस दिन मेरी निगाह उस पर पड़ गई कि हम सबको मजबूरन टीवी देखना पड़ता है, विशेष तौर पर शाम को, कि भाई अलग अलग जगह क्या आख्यान चल रहा है और क्या चल रहा है। क्योंकि तो वो पत्रकार के नाते हम सबके लिए जरूरी है, भले ही कितना अप्रिय हो, और में से किसी को मैं समझता हूँ अच्छा नहीं लगता टीवी देखना। तो मैंने जब वो पढ़ा, कैप्शन पढ़ा, परमानेंट इलाज वाला, तो मैं एकदम चौंक गया। ये क्या हो रहा है? और मेरे दिमाग में अच्छा सीधे वो गोंधा, ये तो परमानेंट सॉल्यूशन वाली बात हो रही है। और परमानेंट सॉल्यूशन जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो जानता है, हम सब लोग जानते हैं कि उसका संदर्भ क्या है और उसका अर्थ क्या है, और वो कौन सी घटना थी, इतिहास में उसने किया क्या है। तो मैं सजग होके बैठा और फिर मैंने स्क्रीनशॉट लेने शुरू किए। तो चूंकि ये शब्द बार बार दोहराए जाते हैं कार्यक्रम में कैप्शंस, तो फिर मैंने चार कैप्शंस को फोटो ली, स्क्रीनशॉट लिए, और उसके बाद फिर मैंने ये ट्वीट किया। और ये तो कई दिनों से मेरे भीतर एक संकल्प धीरे धीरे बन ही रहा था कि इस समय भी अगर मैं नहीं बोला, ये बोलने का जोखिम नहीं उठाया, तो फिर मैं अपनी अंतरात्मा के साथ जी नहीं सकूंगी। अब जो हासिल करना था कर चुके, 40 साल पत्रकार रह लिए, अब क्या ऐसा कुछ बचा है। तो अब मैं समझता, मुझे लगा कि खुलकर बात करनी जरूरी है, और इस दैत्य को उसकी गर्दन पकड़ के, उसका गिरेबा पकड़ के, उससे आंखों में आंखें डालना जरूरी है। अमन सिर्फ एक कई दर्जन में से एक है, और कुछ मुख्य मीडिया पर, अभी लगभग सभी प्रमुख चैनलों पर, एक को शायद छोड़कर अभी तक सभी जगह यही स्थिति हो गई है। कुछ थोड़ा बहुत अंशों में अंतर है, डिग्रीज का अंतर है, बाकी नहीं। और सोशल मीडिया पर तो पूरा एक उद्योग ही चल रहा है, बहुत सारे लोग बिल्कुल तय करके समाज को बांटने के लिए और हिंदू मुसलमान करने के लिए और उस खाई को चौड़ा करने के काम में सुबह शाम लगे हुए। और वो किस, कहाँ से उनको हिम्मत मिल रही है, कहाँ से समर्थन मिल रहा है, कहाँ से संरक्षण मिल रहा है, वो हम सब जानते हैं। तो मैंने इसलिए उसको नाम सहित और बिल्कुल फोटो के साथ ट्वीट किया कि फिर इधर उधर की कोई गुंजाइश ना हो, और मेरा जो मंतव्य था उसके बारे में भी किसी को कोई भ्रम न रहे, और जो लिखा गया है उसका सही अर्थ भी समझे। मुझे बाद में ये लगा कि वो जो सज्जन है अमन, अब सीधे ही बात करें, अमन तो मेरे तहत उसने काम किया है, मैंने उसका चयन नहीं किया था, ये भी मैंने लिखा है। मैं जब CNEB पहुंचा तो वो पहले से वहां मौजूद था, एंकर था, और मेरा एक वो रहा है कि मैं जहां भी गया हूं मैंने कभी किसी को निकाला नहीं, किसी को प्रताड़ित नहीं किया, किसी को असम्मानित नहीं किया। फिर मुझे लिखना पड़ा कि तुम्हारे भीतर ये कलुष इतना है, तो ये उसका मुझे कोई अंदाज नहीं था, क्योंकि मैं जो भी अपने सहयोगी होते हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उसमें कोई भेद नहीं करता। तो इसलिए मैंने उसको लिखा, और उसके बाद जो हुआ वो आप जानते ही हैं, ट्विटर पे जो लोग सक्रिय हैं वो जानते हैं कि उसके बाद क्या क्या हुआ, आज तक हमले हो ही रहे हैं, और मुझे गर्व है कि वो हमले हो रहे हैं, और मुझे कोई समस्या नहीं है, इसमें मजा आ रहा है।